हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय माता दी। तो मैं संगीता श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल संगीता श्रीवास्तव पे। फ्रेंड्स, आज डेट है 9 मार्च और मैं जा रही हूँ बांदा से 10-15 किलोमीटर दूर। ये बड़ोखर पड़ता है गांव, और यहाँ पे आज हनुमान जी का बहुत बड़ा भंडारा है। तो हम हस्बैंड वाइफ दोनों वहीं पे जा रहे हैं भंडारा खाने, और वहीं पे हनुमान जी के दर्शन भी करेंगे। और वहाँ पे रामकथा चल रही थी, उसी का समापन हुआ है, और कल शिव विवाह था और आज भंडारा। तो फिर चलिए देखते हैं कहाँ जाती हूँ मैं। फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं जहां पे भंडारा है, और ये देखिए मैं व्यू दिखाती हूँ। भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, और यहीं पे भंडारा भी चल रहा है और यहीं पे मंदिर भी बना हुआ है, पीछे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बस यहीं पे हम लोग भी अभी जाएंगे और भगवान के दर्शन करेंगे, फिर उसके बाद भंडारा। ये देखिए पूरा खेत, ये खेत दिख रहा है, ये पूरा का पूरा खेत कवर किया हुआ है। कि छोटे बच्चों से प्रसाद वितरण न करें, अरे भाई बहन लो, छोटे बच्चों से प्रसाद वितरण न करें। और यहाँ पे बैठे अंकल जी, नमस्ते अंकल जी, आ गए हम भी भंडारा खाने और दर्शन करने। सबको नहीं मिलता, बात तो होना चाहिए। जान तो है ना, जहाँ दर्शन ये तो बहुत लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, मैं भी दर्शन करने जा रहा हूँ प्रभु की। और यहाँ पे मुझे मिल गई है, देखिए हमारी प्रभा आंटी जी, और यहाँ अपनी महिला मंडली के साथ बैठी हुई है। और आंटी जी, बस बढ़िया, भोजन हो गए? भोजन हो गए, तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलिए फिर हमारे साथ से ना, बिल्कुल गाना सुन चुकी है वो। और ये गुरु जी की फोटो यहाँ पे, और यहाँ पे सामने मंच बना है जहाँ पे राम कथा हो रही थी, और राम कथा का समापन हवन और भंडारा कहिए आज प्रोग्राम था। तो ये देखिए यहाँ पे सामने मंच, और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स भंडारा चल रहा है, भीड़ बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको दिखाऊं वो सामने वाले मैदान में, वहाँ पे भी पूरा मैदान में फुल है, और यहाँ पे भी महाराज जी की चाबी खो गई थी। आप ध्यान दें, जो भी महाराज जी की चाबी खो गई थी, एक सूचना प्राप्त हुई थी हमको, वह मंच पर चाबी उपलब्ध हो गई है। जिनको भी मिली थी उन्हें मंच पर पहुँचा दी है, तो जो भी संत की चाबी है महाराज जी। फ्रेंड्स देखिए ये खाने में क्या है, ये बढ़िया रसेदार सब्जी बनी हुई है, और साथ में बूंदी और पूरी। और यहाँ पे देखिए मैंने भी खा लिया है प्रसाद, और मेरे हस्बैंड भी अब बैठ गए हैं प्रसाद खाने के लिए। और बस ये प्रसाद बहुत ही स्वादिष्ट था। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हुई है हवन, मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हवन हुई थी राम कथा के बाद, जो हवन होती है वो यहीं पे हुई थी। ये देखिए बहुत सुंदर हवन के लिए यहाँ पे बनाया हुआ है। और भीड़ बहुत ही ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा, पूरा गांव आया हुआ है भंडारा खाने के लिए। और पानी के कई सारे टैंकर खड़े हैं पीने के लिए, पानी के लिए।
अभिनंदन करते हैं और जो दूसरे दूसरे करके पांच लोग आप लोग और आप लोगों के प्रसाद आपको बैठ कर मिलेगा, बस थोड़ा सा सावधानी करते हैं। और ये पतिदेव भी आ गए खा के भंडारा जैसे गर्भ न जाए नाली में आपको कोई तंग। और ये देखो भंडारा खाने के बाद दो प्राणी यहाँ पे भंडारा खा के ये देखिए आराम फरमा रहे हैं उमंग जी और आशु जी, ये मेरे देवर जी से मिलिए। हम लोगों ने भंडारा खाया यहाँ पे और गाँव है बड़ोखर ग्राम बुजुर्ग बड़ोखर, मजा आ गया यहाँ पे खाना खाने में। ये इन्हीं का गांव है, यहीं पे इनका घर भी है, आसपास का ही घर है इनका इसी गांव में, इन्हीं की जमीन में बैठ के खाना भी खाया है। ये इन्हीं का ऊपर वाले का हमारा कुछ बाकी आसुलाला है, बताएंगे आगे चल के इनको खाना है हमारा भंडारा। ये मतलब भंडारा खाने मजा आया कि नहीं आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा हमें भी आया, बहुत अच्छा। हनुमान जी का प्रसाद खाया, बहुत ही आनंदित माहौल था और बहुत ही आनंदित खाना था। मजा आ गया, मजा। और अभी पापा मम्मी भी मिले थे मुझे, हाँ पापा तो बैठे हैं कुर्सी में मेन गेट पे, वहीं पे मुलाकात होगी। चलो फिर ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे एक तालाब भी है, ये देखिए फ्रेंड्स तालाब भी है यहाँ पे बिल्कुल जस्ट बगल में। तो मैं फ्रेंड्स अब बस यहाँ से चल रही हूँ और अब चलते हैं फिर से बांदा की तरफ। और मैं आपको बताऊँ ये बांदा से 14-15 किलोमीटर आगे हम आए हैं ग्राम बड़ोखर गांव है ये। तो ठीक है फ्रेंड्स अब चलते हैं घर की तरफ और मैं अब अपने वीडियो का यहीं पे एंड करती हूँ। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।